पहुंचा। फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी और पुंछ जिलों की सीमा पर मौजूद ढेरा की गली और बुफलियास के बीच का इलाका घने जंगलों वाला है और ये चमरेर जंगल और फिर भाटा धुनियन जंगल की ओर जाता है, जहां इस साल 20 अप्रैल को सेना के एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया गया था। हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए थे। विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करने का विरोध बढ़ता जा रहा है। INDIA गठबंधन आज भी प्रदर्शन करेगा। देश के अलग अलग इलाकों में मार्च निकाला जाएगा। विपक्ष अपने 146 सांसदों के निलंबन के विरोध का दायरा आज से बढ़ाने जा रहा है। आज इंडिया गठबंधन देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और मार्च करेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र की बर्बादी बताया है। मंत्रियों की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट में आके बताने के लिए इसके बारे में। ये सिस्टम हमने नहीं बनाया, ब्रिटिश ने बनाया सैकड़ों साल पहले। किसी ने एक मिनट किसी का मजाक उड़ाया और आपने हजारों घंटे इस पे आप चर्चा कर रहे हैं। यह हमारे लोकतंत्र खतरे में है। कौन से मुद्दा है जो हमारे देश के सामने पेश करना चाहते हैं आप? केंद्र सरकार के खिलाफ आज सुबह 11 बजे से पटना में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें JDU RJD समेत कई छोटे दल भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे पटना के आयकर गोलंबर से हिंदी भवन तक इंडिया गठबंधन मार्च निकालेगा। कांग्रेस भी आज कई राज्यों में प्रदर्शन करने जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी प्रदेश, जिला और ब्लॉक पदाधिकारी, साथ में सांसद, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि समेत सभी प्रदेश पदाधिकारी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन का हिस्सा बनने की अपील की गई है। सांसदों के हंगामे और प्रदर्शन के बीच संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा स्पीकर और बिरला से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा पर कई अहम सलाह भी दी है। गुरुवार को संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विपक्ष के फ्लोर लीडर से मुलाकात की है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री साथ में मौजूद थे। पीएम ने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेन के बाद जो भी जरूरी कदम और सुरक्षा के उपाय हैं वो उठाने चाहिए। पीएम ने ये भी कहा कि कर्नाटक विधानसभा में सत्र के दौरान एक शख्स विधायक न होते हुए भी काफी देर तक सदन में बैठा रहा था। इस मुद्दे को भी यहां सदन में विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते वक्त उठाना और बताना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति का अपमान किया गया। प्रधानमंत्री का तो बार बार अपमान किया गया है। उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने का ये पहली बार नहीं, पहले राष्ट्रपति जी का किया, प्रधानमंत्री जी का बार बार अपमान किया। संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों को और संवैधानिक संस्थाओं को लगातार आलोचना करते रहे। और बड़ी खबर, संसद में सेंधमारी के मामले में आज 5वें आरोपी ललित झा की कोर्ट में पेशी है। आज ललित झा की रिमांड खत्म हो रही है और इससे पहले कल पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड 15 दिन और बढ़ा दी। 4 आरोपियों को 5 जनवरी तक दिल्ली पुलिस की रिमांड में भेज दिया है। दरअसल पुलिस ने चारों आरोपियों की 15 दिन रिमांड की मांग की थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 7 दिन में कई अहम सबूत मिले हैं और जांच से जुड़ी कुछ कड़ियां भी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो सबूत मिले हैं उनका आरोपियों के साथ मिलान करना बाकी है। संसद सुरक्षा में सेन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों की पुलिस रिमांड 15 दिन और बढ़ा दी है। 4 आरोपियों को 5 जनवरी तक दिल्ली पुलिस की रिमांड में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 4 आरोपियों सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम और अमोल शिंदे की 7 दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि गुरुवार को खत्म हो रही थी। दरअसल पुलिस ने चारों आरोपियों की 15 दिन की रिमांड की मांग की थी और कहा था कि हमें कुछ और अहम सबूत मिले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 7 दिनों में उन्हें जांच से जुड़ी कुछ कड़ियां भी हाथ लगी हैं। ये मामला बेहद संवेदनशील है। बीते 7 दिन की रिमांड के दौरान आरोपियों को कई जगह ले जाया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो सबूत मिले हैं उनका आरोपियों के साथ मिलान करना बाकी है। सोशल मीडिया की जाँच भी की जा रही है। गौरतलब है कि बीते 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से 2 आरोपी चैम्बर में कूद गए थे। कुछ देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी कर दी। संसद के बाहर भी 2 लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे।
और तारीख पे तारीख युग का अंत हो गया है, अब 3 साल में इंसाफ मिलेगा। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से पारित 3 नए आपराधिक बिलों की मंशा जताई।